हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएल लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। तो देखिए, आपका फ्राइडे के दिन ये शेयर हाई गया था 739.95, लो गया था 725 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने रिटर्न दिया था 1.74% एंड क्लोज हुआ था 738.85 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है रुपीज 55,458.65 करोड़, इंटरप्राइज वैल्यू है रुपीज 56,298.65 करोड़, एनपीई रेशियो है 35.21। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है रुपीज 1,665 करोड़ का। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका रहा है 0.20। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 2.53। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे लगभग 2.5 गुना ज्यादा है, जो कि आपका फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है रुपीज 20.98, रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.71% एंड आरओसी है 17.37%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 434.55%, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 44.99%। ये जो कंपनी है यूपीएल, इस कंपनी में एफआईआई का होल्डिंग है 35.56%, प्रमोटर्स का होल्डिंग है 28.96%, डीआईआई का होल्डिंग है 17.21% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 11.08%। और ये जो आपका 28.96% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, प्लेसिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 96% एनालिस्ट इन्वेस्टर को ये शेयर आपका बाय साइज कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। ये जो कंपनी है यूपीएल लिमिटेड, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे। तो देखिए, वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे और मंथली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहाँ पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट भी ओपन कर लिया हो। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है 20 अक्टूबर 2022 का दिन। यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार इस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और एमएसडी भी आपका 0.0 से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहां पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया हो। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है अक्टूबर 2022 का लास्ट वीक। यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। और अभी जो करेंट वीक आपका खत्म हुआ, इसी वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी देखिए यहाँ पे आपका अप टेन हो चुका है और एमएसडी भी आपका 0.0 से ऊपर चला गया। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका रुपीज 739। अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपका रुपीज 825 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रेट पर्सन नहीं हूं। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी
टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा से टेक्निकली कैसा है, कौन सा से फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।